सारी होम वर्कआउट से रिलेटेड रहेंगे कुछ, तो इसको इस तरीके से आप बैंड कर सकते हो अपने अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए, इस तरीके से ये पिच एंड स्क्वीज। चलो यहाँ पे लेना चिन के अकॉर्डिंग होगा ना गाइस, आपका जो साइड वाला पार्ट होगा वो बहुत अच्छे से। या वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज करेंगे अपना एप्स से रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस, 3 से 4 एक्सरसाइजेस करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपर के लिए, लोअर के लिए और अपने ऑब्लिक्स के लिए। जितनी भी एक्सरसाइज होंगी सारी होम वर्कआउट से रिलेटेड रहेंगे, कुछ करेंगे हम अपनी डंबल से और कुछ करेंगे अपनी बैंड से। अब मेरे भाई अगर किसी के पास बैंड नहीं है तो 300-400-500 रुपए का आएगा, ये ऑर्डर करके मंगा सकते हो, और मैंने तो ये 200 रुपए का ही मंगाया है। तो गाइस इससे सस्ता और क्या चाहिए आप लोगों को अपने एप्स ट्रेन करने के लिए। तो चलो 200 रुपए में अगर आपको मैं इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस घरेलू एक्सरसाइज पूरा कॉम्पैक्ट कंबाइंड करके बता रहा हूँ तो फायदा उठा लो। गाइस अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी ऑब्लिक्स के लिए करेंगे, इसी ही से करेंगे। आपके घर में कोई भी ऐसा जुगाड़ हो या कोई भी मतलब जिसमें आप ये कर सकते हो टाइट टाइट करके अपना ऑब्लिक्स ट्रेन करेंगे। किस तरीके से पोजिशन रहेगी, कितने सेट रहेंगे, 3 सेट मारेंगे इसके पर सेट पे, एटलीस्ट आपको पर साइड पे एवरी सेट पे 20-25 रेपिटेशन लेने हैं ताकि अच्छे से इफेक्ट आए। चलो अगर थोड़ा सा रेंज ज्यादा लेना है तो इसको इस तरीके से आप बैंड कर सकते हो अपने हाथ पे, इस तरीके से आपकी पोजिशन रहेगी स्प्रिट, गर्दन के साइड में लेना है इसको, यहाँ पे पैर लगा ले और जब भी आप नीचे जाए तो इस पे ट्विस्ट करना है। चलो मैं करके दिखाऊंगा इस तरीके से। यहां पे आके स्क्वीज करना है, तो इस तरीके से करना। आपका जो ये साइड वाला रहेगा ना, बेली फैट बोल लो यार, आपके लेफ्ट साइड वाला जो भी आपकी साइड की फैटिंग फैट होगा या एब्स होंगे वो ट्रेन होंगे, इसे ये ला सकते हो अपने घर में ऐड कर सकते हो। इतना इजी और बहुत बेनिफिशियली एक्सरसाइज होगी आपकी इसे एब्स को ट्रेन करने के लिए। तो गाइस अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी इसमें करेंगे अपने क्रंचेस करेंगे, यानी कि अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए करेंगे। इसके भी 3 सेट लेंगे, बहुत ही यूनिक तरीके की एक्सरसाइज लेकर आया हूँ मैं। ये एक्सरसाइज का पोजिशन एक तरीके की लेकर आया हूँ, जो आपका जो इक्विपमेंट है, एक्सेसरीज है, जो भी आपको जुगाड़ लगाना है ये इसे कर सकते हो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी आपको अपने अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए। किस तरीके से आपकी पोजीशन रहेगी, किस तरीके से वेरिएशन रहेगा वो बताऊंगा आपको। ज्यादातर ये वाली जो एक्सरसाइज होती है वो परफॉर्म की जाती है आपकी मशीन पे, बट किसी मेरे भाई के पास ऐसे मशीन नहीं है तो वो ये वाली एक्सरसाइज कर सकता है बैंड मंगाकर। तो चलो मैंने ऊपर नॉट लगा लिया है ताकि ये टूटे ना या फिर गिरे ना, मेरा बैलेंस बना रहे अच्छे से। मैंने इसको ऊपर से पकड़ा है यहां से और पैरों को मैंने पीछे फिक्स कर लिया। आपके पास दीवार हो उसके वहां पे फिक्स कर सकते हैं, और इस तरीके से ये पूरा स्क्वीज करा ऊपर आए, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। आप देख रहे हो ना कितनी बेस्ट एक्सरसाइज है ये वाली करने के लिए, आपके एप्स को ट्रेन करने के लिए। क्योंकि ना गाइस इस पे मैंने परफॉर्मेंस इसलिए बताई आप लोगों को करके, क्योंकि इससे बैलेंस और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज की रबड़ की ये बहुत अच्छी है, आपके कोर को ट्रेन करेगी। मैं वीक में 2 बार ये करता ही करता हूँ, मैंने सोचा कि आज कर रहा हूं तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई है जो जिम में नहीं जाता है जा पाते हैं, या जिम के अंदर मशीनें नहीं हो पाती, तो ये वाली एक्सरसाइज अपने घर के अंदर कर सकते हैं होम वर्कआउट एक्सरसाइज एब्स को ट्रेन करने के लिए। चलो चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे। तो गाइस अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे हम अपने ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए। किस तरीके से रहेगी, घर के अंदर कर सकते हो, अगर आपके पास डंबल नहीं है तो ब्रिक्स लेकर कर सकते हो। एकदम सिंपल एंड कोर एक्सरसाइज है, मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज आपको आपके ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए। चलो इसके 3 सेट लेने हैं, पर सेट पे आपको 20-25 रेपिटेशन लेने हैं। वेट अगर आप लाइट लेंगे तो ज्यादा आपको इफेक्ट आएंगे आपके ऑब्लिक्स पे। चलो इस तरीके से आप अपने नीज पे आ जाएं, अपने नीज पे बैलेंस बनाना है और अपने पैरों को यहाँ पे सपोर्ट के लिए पीछे लगा लेना है। तो चलो यहाँ पे लेना चिन के अकॉर्डिंग, चिन के साइज पे आपको लेना हाइट पे, और हाथों को थोड़ा सा स्ट्रेट रखें और इस तरीके से स्क्वीज, यहाँ पे स्ट्रेच करना है अपने ऑब्लिक्स को पूरा, यहाँ पे किया मैंने और यहाँ पे फिर किया, और अपने फेस को डंबल के अकॉर्डिंग डायगोनली लेकर जाना है। जैसे जैसे आपका डंबल जाएगा उसी उसी तरीके जाना है। और ब्रीद इन ब्रीद आउट, यहां पे ब्रीद इन ब्रीद आउट,
ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये आपका जो कोर होगा ना गाइस, आपका जो साइड वाला पार्ट होगा वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा और स्क्वीज होगा, और इतने अच्छे इफेक्ट आएंगे कि आपको 2-4-5 घंटे बाद पता लगेगा। तो इसके 3 सेट लेने, इसके बाद एड ऑन करना साथ के साथ आपके अपर एब्स को ट्रेन करने के लिए भी। कौन सी एक्सरसाइज रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेट हो जाएं, हाथों को पीछे रखें इस तरीके से, और ये धीरे धीरे लेकर जाए मैं पूरा स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। और जब नीचे जाओगे तो ब्रीद आउट, ऊपर आओगे तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है हम ज्यादातर मशीन पे लिफ्ट करते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो आपको ये घर में करने के लिए ये वाली जो आइडियाज मैंने दिए हैं, ये 3 से 4 एक्सरसाइजेस आप ऐड ऑन करें अपने रूटीन में, एप्स को वर्क, एप्स वर्कआउट में, एप्स को ट्रेन करने के लिए। किसी मेरे भाई का अगर बेली फैट है तो वो ये ऐड ऑन कर सकता है। तो आप लोगों को ये वाली वीडियो जो मैंने ऐड करी है पसंद आए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।